प्रधानमंत्री ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार, कहा भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। बीते 10 वर्ष में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद पकड़े। प्रधानमंत्री ने इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आने का किया दावा, कहा धर्म के आधार पर देश को बांटना गलत। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर हुआ मतदान। 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम व वीवीपैट में हुई दर्ज। छठे चरण के मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने मताधिकार का किया प्रयोग। दिल्ली में डॉक्टर राजीव प्रसाद केंद्रीय विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर जाकर किया मतदान, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू बूथ पर जाकर डाला वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र में की चुनावी जनसभा। ईडी गठबंधन पर साधा निशाना, कांग्रेस और उनके सहयोगी पर आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने का लगाया आरोप। दूरदर्शन किसान अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर 26 मई को 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर AI कृषि और AI भूमि करेगा लॉन्च। दूरदर्शन किसान बनेगा AI एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी चैनल। 17 मई 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डॉलर का इजाफा। इस इजाफे के साथ 648 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। इंडिगो एयरलाइन का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में बढ़ा सालाना मुनाफा। 106% की बढ़ोतरी से मुनाफे का आंकड़ा पहुंचा 1894.8 करोड़ रुपए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब RTO में ड्राइविंग टेस्ट देना नहीं होगा अनिवार्य। प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल पर भी दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट। 1 जून 2024 से लागू होगा नया नियम। गूगल तमिलनाडु में पहली बार शुरू करेगा पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दी जानकारी, कहा गूगल फॉक्सकॉम के साथ करेगा साझेदारी।